जय गौर हरि, हरे कृष्णा। तो आज का ये अति पावन दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम आप सबको भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निवेदन करते हैं। इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और जीवन को सफल करिए। इस कृष्ण जन्माष्टमी पे प्रण लीजिए कि आप कृष्ण भगवान को अपने जीवन में लेके आएंगे। अर्थात जैसे आप डॉक्टर को लेके आते हैं, उसका मतलब है कि आप उसकी सलाह को लेके आते हैं। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को कैसे लेके आएंगे कि उनकी आज्ञा का पालन करके। उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो आनंद ही आनंद में रहोगे। तो पहली आज्ञा क्या है जो आप शुरू कर सकते हो? बड़ी सरल, क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका रोज शुरुआत करिए एक माला से। एक माला का मतलब 108 बार। उंगलियों में भी गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे शुरू करिए। इस जन्माष्टमी से हम ये शुरू करेंगे। आज से एक भगवान की माला हम जपेंगे अपने। किसके लिए कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, इसमें मेरे को क्या लाभ है? तो पहले अपना लाभ ढूंढिए ना। और आपको लाभ किसे मिलेगा? जब यह भगवान का नाम लेंगे। कलयुग के अंदर धर्म का सारा सार जो है वो क्या है? भगवान का नाम लेना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जब शुरू करिए, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी उत्साह से मनाइए। आप आ सकते हैं, हमारे लाइव भी देख सकते हैं। जो लाइव का डिटेल है वो आपको हम अभी बताते हैं, और उस पर आप जाके शाम को लाइव सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अभिषेक को देखने से भी आपको लाभ मिल जाएगा, चिंता मत करिए। आप सोचेंगे वो मैं तो अभिषेक नहीं कर रहा हूँ जाके, कोई चिंता नहीं। सिर्फ देखने मात्र से भगवान पूर्ण है। सुनने से, देखने से, सूंघने से, चखने से आपको सब बराबर फल मिलता है, यदि आप दूर भी हैं या पास है। तो फिर से एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पे आपको बहुत बहुत बधाई, और आपका जीवन जो है कृष्णमय हो जाए। धन्यवाद। जय गौर हरि, हरे कृष्ण।